कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। यह चुनौतीपूर्ण क्योंकि हमारे केसेस जो हैं ये रैपिडली बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा किस तादाद से बढ़ रहे हैं, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ रही है और हमारी डेथ्स जो हैं लगातार हो रही हैं। जहां तक एक्टिव केसेस का सवाल है, इस वक्त हमारे पास जम्मू कश्मीर में 13,400 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। जो पिछले साल की पीक थी वो लगभग 22,000 एक्टिव केसेस की थी। रिकवरी रेट हमारा 89.6% है। मॉर्टेलिटी अगर देखेंगे, फैटलिटी, तो पिछले साल जो का अगर जोड़ कर देखें क्यूमुलेटिव बेसिस पर, तो फैटलिटी 1.38% थी, लेकिन अगर अप्रैल के महीने में हम देखें इस साल तो 77 डेथ्स हो गई हैं अप्रैल में, और फैटलिटी जो है ये 0.4% है। पॉजिटिविटी जहां तक सवाल है, तो हमारी अप्रैल में पॉजिटिविटी 2.5%, जो पिछले साल की क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी से ज़्यादा, और कल के दिन की अगर पॉजिटिविटी देखें तो ये 5.2% है, और रेट ऑफ ग्रोथ जो केसेस का है ये 12.8% है, जो चिंताजनक। तो हमारा जो ग्राफ है ये स्टीपली राइज कर रहा है, इसलिए हमको इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत। जो स्ट्रेटजीज हम अभी फॉलो कर रहे हैं, 5 पिलर्ड स्ट्रेटजीज हैं COVID-19 को डील करने के लिए। सारा कुछ स्टार्ट होता है टेस्ट से। जितने ज़्यादा हम टेस्ट करें उतने ज़्यादा पॉजिटिव केसेस को हम आइसोलेट कर सकते हैं और इन्फेक्शन को फैलने से बचा सकते हैं, तो ये पहली स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी है कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्वेलेंस, ये इसमें आते हैं, उसके बारे में मैं समझाऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। तीसरी स्ट्रेटजी है आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट। जो पॉजिटिव केसेस आ गए इनको आइसोलेट करना, इनको ट्रीट करना, उसके लिए हमारे हॉस्पिटल की क्या प्रिपेयरनेस है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। चौथी स्ट्रेटजी जो सबसे ज़रूरी स्ट्रेटजी है वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। किस तरीके से हम एक हमारा पब्लिक का रिस्पॉन्स इस कोविड को कैसा है, कि कैसे हम मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको फॉलो कर रहे हैं। और पांचवी स्ट्रेटजी है वैक्सीनेशन। वैक्सीन इस बार ये हमारे पास है, तो वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले टेस्ट, हम लगभग 40,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं, जिसमें से 10,000 टेस्ट RT-PCR के और 30,000 टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट। जो टेस्टिंग एवरेज हमारा है 2,500 टेस्ट पर मिलियन पर डे। WHO रिकमेंड करता है कि 140 होना चाहिए, हमारा 2,500 के करीब। 68,33,000 टेस्ट अभी तक J&K में परफॉर्म किए जा चुके हैं, और अब RT-PCR टेस्ट करने की फैसिलिटी सभी मेडिकल कॉलेजेस में, हमारे जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं अनंतनाग, बारामूला, रजौरी, कठुआ और डोडा, वहाँ भी RT-PCR के टेस्ट हो रहे हैं, और पुराने मेडिकल कॉलेजेस में तो हो ही रहे हैं, स्किम्स में हो रहे हैं, कमांड हॉस्पिटल में हो रहे हैं, और यहाँ पर एक लैब है जिसको पहले RRL कहते थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, वहाँ पर भी RT-PCR टेस्ट होते हैं। हमने पिछले साल 3 कोबास मशीन का ऑर्डर दिया, बड़ी मुश्किल से मशीन मिलती है, फुली ऑटोमेटिक RT-PCR टेस्ट करती है, कोबास 6800। एक मशीन हमारे पास आ गई है जो स्किम सोबरा में इंस्टॉल हो गई है, उसका वो फाइनल उसको तैयार करने का वो सिलसिला चल रहा है। एक और मशीन GMC जम्मू के लिए चल पड़ी है, वो यहाँ कुछ दिनों में लग जाएगी, और एक GMC श्रीनगर के लिए भी आने वाली है मशीन। टेस्टिंग में हमने जो स्ट्रेटजी फॉलो की है कि जितने भी इनकमिंग पैसेंजर्स यहाँ आते हैं, ट्रेवलर्स आते हैं, बाई एयर, बाई रोड या बाई ट्रेन, उनकी हम टेस्टिंग करते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी जो हमारी है वो है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मैं आपको आंकड़ा देता हूँ कि अप्रैल के महीने में हमने 1,64,000 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया, और कंटेनमेंट जोन्स हमने कायम की हैं कोई 120, और इन कंटेनमेंट जोन्स में हमने 32,000 लोगों को टेस्ट किया अप्रैल के महीने में, जिसमें से 1,680 लोग पॉजिटिव मिले हमको कंटेनमेंट जोन में, और हम
हमने कंटेनमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शंस की कई तरह की इम्पोज की हैं, उसके बारे में सेक्रेटरी डीएमआरआर आपको बताएंगे। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद किया गया है, उसमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। फिर गैदरिंग का साइज हमने डिटरमिन किया है कि आउटडोर में 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, इनडोर में 50 की सीलिंग रखी है, फ्यूनरल्स में 20 की रखी है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि मूवमेंट को रिस्ट्रेन किया जाए। शॉप्स के बारे में भी फैसले हुए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में भी फैसले हुए हैं। तीसरी स्ट्रेटजी जो हमारी है, आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट। हमारे इस वक्त 12,600 केस जो हैं वो होम आइसोलेशन में, उनका घर में ही इलाज चल रहा है। और अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो हमारी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी उनको हम अस्पताल शिफ्ट करें जब उनकी वैसी हालत हो जाती है। हॉस्पिटल में हमारे पास 807 पेशेंट थे, कल की तारीख में, कल के आंकड़े बता रहा हूँ, जिसमें से 48 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं और 534 पेशेंट जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कुल वेंटिलेटर्स की तादाद जो यूनियन टेरिटरी में है, जो कोविड के लिए हमने मखसूस किए हैं, ऐसे तो वेंटिलेटर ज़्यादा है हमारे पास, वो 600 के करीब हमने कोविड के लिए इस टाइम ईयरमार्क करके रखे। बेड्स की बात अगर हम करें, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो टोटल बेड्स हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, जिला हॉस्पिटल भी आते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आते हैं, जो ईयरमार्क किए हैं हमने कोविड के लिए, वो 6,000 के करीब है, रफली 6,000 के करीब। और 807 पेशेंट हमारे जो इन हॉस्पिटल्स में हैं, जो ऑक्युपेंसी बनती है 13% की। इसके अलावा हमारे कोविड केयर सेंटर्स जो हमने लास्ट ईयर सेटअप किए थे, कोई उनमें 15,000 की कैपेसिटी है, लेकिन उनकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि आजकल लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं, जो कि पॉजिटिव केसेस हमारे पास सामने आते हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात अगर हम करें तो हमारे पास 2,500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं और ऑक्यूपेंसी 534 है, 20% के करीब। ऑक्सीजन इन्वेंट्री की बात अगर हम करें, हमारे पास बल्क सिलेंडर्स जो होते हैं वो 10,000 के करीब हैं और मीडियम टाइप सिलेंडर्स जो बी टाइप सिलेंडर्स होते हैं ये 3,500 के करीब हैं। हमने एक प्रपोजल यहाँ पर अप्रूव किया था ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने का, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सभी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में और कुछ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। ये कश्मीर में 19, जम्मू में 17, कुल मिलाकर 36 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने थे ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते ऑक्सीजन की जनरेशन में और पेशेंट्स को बिना किसी इंटरप्शन से ऑक्सीजन मिलती। इन 36 अस्पतालों में से 23 हॉस्पिटलों के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अगले एक हफ्ते में लगने जा रहे हैं, वो आगे हैं, कई तो लग चुके हैं, उनका इंस्टॉलेशन चल रहा है। तो इनके 23 के लगने से लगभग हमारे 2,000 एडिशनल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स जो हैं हमको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। जहाँ तक लॉजिस्टिक्स का सवाल है, वो पीपीई किट्स हुए, N95 मास्क हुए, VTMs हुए, रैपिड एंटीजन टेस्ट के किट्स हुए, RT-PCR के किट्स हुए, RNA एक्सट्रैक्शन किट्स हुए, इन सब की तादाद हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटीज में अवेलेबल है। चौथी स्ट्रेटजी की मैं बात करूंगा और यहाँ पर मुझे आप सबका कोऑपरेशन चाहिए, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमको मीडिया का बहुत साथ मिला लोगों में ये मैसेज फैलाने के लिए, ये अपील बार बार गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क पहने। मास्क खुद में एक वैक्सीन है, इसकी एफिकेसी हो सकता है जो मॉडर्न वैक्सीन है उसके मुकाबले में थोड़ी कम हो, लेकिन ये भी एक वैक्सीन है, वैक्सीन की तरह, इसको सोशल वैक्सीन कहते हैं। तो ये मास्क का पहनना बहुत ही ज़रूरी है और हैंड वॉशिंग या हैंड को सैनिटाइज करना बार बार, ये बहुत ही ज़रूरी है। Thanks for watching Kashmir News Service.